हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी पवेलियन EH3039AU। जी हाँ, एचपी ने फिलहाल इसको लॉन्च किया है हाल ही में। सबसे पहली बात जो इसकी खासियत है वो राइजन 5 में है 7000 सीरीज के अंदर। 16 GB रैम है और 512 GB SSD के साथ एचपी ने इसको लॉन्च किया। आज हम इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे और कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ी धमाकेदार होगी। हम लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लैपटॉप हमें एचपी ने प्रोवाइड कराया है और जो प्रोवाइड कराया है वो दिल्ली के अंदर करोल बाग में ओमेन प्ले ग्राउंड यानी एचपी वर्ल्ड हाइब्रिड स्टोर है जहां से हमें ये लैपटॉप मिला है। ये लैपटॉप अनबॉक्स होने के बाद ओमेन प्लेग्राउंड एचपी जो करोल बाग में स्टोर है इसके थ्रू वापस एचपी पे चला जाएगा। कभी भी आपने लैपटॉप लेना हो तो आप इस स्टोर पे जरूर एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल जाएगी और लैपटॉप के प्राइसेस भी काफी जेन्युइन होते हैं जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो दोस्तों लैपटॉप हमने अनबॉक्स कर दिया है। जैसे हर लैपटॉप में यूजर मैनुअल निकलता है जो हमने बॉक्स के अंदर ही छोड़ दिया, कोई पढ़ता तो है नहीं उसे। पावर कोड प्रीमियम पावर कोड होती है, आप ये मत कहिएगा, हर बार आप ये कहते हो, जो भी कंपनी देती है प्रीमियम ही होती है। 65 वॉट का राउंड पिन के साथ आपको एडेप्टर मिलता है, पावर एडेप्टर। देखिए पवेलियन सीरीज है 15S और 14S और पवेलियन सीरीज के साथ मोस्टली एचपी 65 वॉट का ही एडेप्टर देता है जिसमें 90 और 100 वॉट्स या 200 वॉट्स होते हैं, वो विक्टस या ओमेन लैपटॉप होते हैं। तो दोस्तों हम लैपटॉप को ओपन करते हैं। देखिए पवेलियन लैपटॉप जब हम मैं खासतौर से पवेलियन लैपटॉप को अनबॉक्स करता हूं ना तो बड़ा मजा आता है। देखिए पवेलियन की जो लुक है वो हमेशा आपको डिसेंट मिलेगी। थोड़ा सा एचपी ने इसमें चेंजेस करे, बहुत ज्यादा चेंजेस की आप उम्मीद मत करिएगा क्योंकि वैसी मेटल बॉडी में लैपटॉप आता है और स्लीक, अगर आप देखें तो स्लीकनेस जो इसकी है कितना स्लीक लैपटॉप ये एचपी ने बना रखा है। बैक पैनल भी आप देखेंगे तो ये वेंटिलेशन है, रबड़ ग्रिप है। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं, देखिए बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है एचपी के पवेलियन लैपटॉप्स की। एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करते हैं, एक हाथ से ओपन नहीं होगा। अच्छा अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो खोलते हुए इसमें वॉबलिंग भी बिल्कुल ना के बराबर है। एक बार फिर से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं तो बहुत बहुत ही हल्की है, शायद जो आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रही होगी। तो 15 इंच का लैपटॉप है सिल्वर कलर में। तो दोस्तों पहले इसके पोर्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको दो पोर्ट दिखाई देते हैं। एक है USB टाइप ए 5 GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ और दूसरा आपको चार्जिंग जैक लैपटॉप के को चार्ज करने के लिए मिलता है। अगर हम बात करेंगे लैपटॉप के राइट साइड की तो वहां पे भी आप देखेंगे तो आपको चार पोर्ट दिखाई देते हैं। पहला है HDMI 2.1 आपके LED टीवी और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा पोर्ट आपको मिलता है USB टाइप ए 5 GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ और तीसरा पोर्ट आपको जो यहां दिखाई दे रहा है वो है USB टाइप सी 10 GBPS सिग्नलिंग रेट के साथ जिसमें आपको USB पावर डिलीवरी भी मिलती है। और फोर्थ पोर्ट जो आपको मिलता है वो है 3.5 mm का कॉम्बो ऑडियो जैक हेडफोन और माइक कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बात करेंगे प्रोसेसर की तो AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर है, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है इसका। अगर हम बात करेंगे बेस स्पीड की तो 2 GHz इसकी बेस स्पीड है और टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ये आता है तो मैक्सिमम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4.5 GHz की। अगर हम कोर्स की बात करेंगे तो 6 कोर है। देखिए यहाँ पे ना काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम कोर्स की बात करते हैं तो हम जैसे अगर इंटेल का i5 प्रोसेसर भी देखते हैं कि हम इंटेल का i5 12 जनरेशन भी लेते हैं तो उसके अंदर 10 कोर्स आपको मिलते हैं, लेकिन हम जब इंटेल का भी होते हैं हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ पे ये 6 कोर का और कम प्रोसेसर क्यों है, क्योंकि ये 6 के 6 परफॉर्मेंस कोर है यानी जो आपकी मैक्सिमम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 4.5 GHz की, वो आपकी पूरी 4.0 GHz सारे 6 के 6 कोर हैं, 6 कोर हैं वो सबके लिए है। अच्छा जो 10 कोर का प्रोसेसर होता है उसमें आपके 2 परफॉर्मेंस कोर होते हैं और 8 एफिशिएंट कोर होते हैं, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बात करेंगे हम प्रोसेसर के नैनोमीटर की तो इंटेल का जो प्रोसेसर होता है वो 10 नैनोमीटर में है और जो AMD का प्रोसेसर है ये वाला Ryzen 5 7000 सीरीज ये 7 नैनोमीटर में है। तो जितने नैनोमीटर कम होते चले जाते हैं अगर हम आम भाषा में बात करें तो उतनी
प्रोसेसर की स्पीड बढ़ती चली जाती है। लॉजिकल प्रोसेसर देखेंगे तो 12 है और L3 कैश देखेंगे तो 16 MB है। बात करते हैं मेमोरी की, 16 GB DDR4, इसमें 3200 MHz की रैम लगी हुई है, दो स्लॉट्स हैं, दोनों के दोनों यूज्ड है, यानी 8-8 GB की दो इसमें रैम लगी हुई है। लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके आपको हम वो भी दिखाएंगे। इंटेल की SSD है 512 GB, जेन 4 की SSD है जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB मिलती है। ग्राफिक्स की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, AMD के हर प्रोसेसर में अपना डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी होती है। इसमें भी आपकी 512 MB की डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी है, और अगर शेयर की बात करेंगे तो 7.7 GB, जो टोटल मिला के आपकी 8.2 GB आपको ग्राफिक्स मेमोरी मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है इसमें ग्राफिक्स के लिए। ये मत सोचिएगा कि बहुत डेडिकेटेड ग्राफिक्स है जिससे आपको, ये प्रोसेसर के अंदर मेमोरी होती है। तो अभी जब वो कॉन्फ़िगरेशन की आप वॉइस सुन रहे थे, तो वो वॉइस हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी। इसमें ऑलरेडी डुअल एरे माइक लगे हुए हैं, तो आपको ये इससे पता चल जाएगी माइक की क्लैरिटी क्वालिटी कैसी है। लैपटॉप में आपको 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080 है। माइक्रो एज डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है, एंटी क्लियर और 250 निट्स के साथ। NTSC की बात करेंगे तो 45% NTSC आपको इसके डिस्प्ले में मिलता है। कैमरे की बात करते हैं तो HP वाइट विजन 720p HD कैमरा विद टेंपल नॉइस रिडक्शन एंड इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन के साथ आपको HP इसमें देता है। अगर हम इसके कीबोर्ड की बात करें तो 15.6 इंचेस फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड नेचुरल सिल्वर कलर में आपको मिलता है, विद न्यूमेरिक कीपैड और HP इमेज पैड आपको इसके अंदर HP देता है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या अपग्रेड हो सकता है, क्या नहीं अपग्रेड होगा, वो सब ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आपको लैपटॉप में दिखाई दे रहा होगा फैन थोड़ा सा दूर है प्रोसेसर के साथ, यहाँ आपका प्रोसेसर लगा हुआ है और हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। यहाँ आपको दो रैम दिखाई दे रही है, इसमें 16 GB की रैम है, 8-8 GB की दो है, आप अपग्रेड कर सकते हैं। आप 8-8 GB की दो लगा के 16 GB की आप इसमें रैम लगा लीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी 16 GB की है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग 16 GB की रैम काफी होती है। साथ में आपको दिखाई दे रहा है SSD 512 GB की SSD है, इंटेल की SSD है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसको रिमूव करके ही आप नई SSD लगा पाएंगे। हमें इसमें कोई भी स्लॉट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जिसमें आप दूसरी SSD लगा सकें। यहाँ वाईफाई जरूर है, Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 आपको इसमें मिलता है, जो सपोर्ट करता है गीगाबिट डाटा ट्रांसफर रेट को। आपको बैटरी दिखाई दे रही है, बैटरी आपको मिल जाएगी इसके अंदर, 3 सेल की बैटरी आपको इसके अंदर मिलती है 41 वर्क आवर के साथ। यहां आप देखेंगे दो स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने अनबॉक्स किया HP Pavilion 3039AU Ryzen 5 7000 सीरीज के अंदर है, 16 GB रैम, ये 16 GB रैम के साथ है और 512 GB SSD के साथ ये लैपटॉप HP ने मार्केट में लॉन्च किया है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे यूज की, देखिए ग्राफिक्स डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन इसमें 512 MB जो प्रोसेसर का होता है वो आपको मिलता है, जो अगर आप गेमिंग करना चाहें तो बेसिक लेवल की गेमिंग आप इस लैपटॉप में कर सकते हैं। बाकी अगर आप यूसेज की बात करें, अब आप कहें कि हमारा ये नहीं हो सकता, देखिए सिर्फ गेमिंग और आपकी एडिटिंग के लिए लैपटॉप्स नहीं है, काफी वर्किंग है जो हम इस लैपटॉप पे कर सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाहें, आप कोडिंग करना चाहें, आप वो सब इस लैपटॉप पे इजीली कर सकते हैं। मेटल बॉडी के अंदर है, स्पीड भी इसकी हमने आपको बताया 4.5 GHz है, और आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप अकाउंटिंग के लिए लेना चाहें, आप अकाउंटिंग के लिए ले सकते हैं इसको, और अगर आपने उसके अलावा इंटरनेट में कोई भी रिलेटेड आपने काम वर्किंग करनी हो, बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी आपको। आपने ऑफिस वर्क करना है, आपने अगर क्लासेस लेनी है, आपने क्लासेस देनी है, आपने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, आप वो सब इस लैपटॉप पे बड़े ही परफेक्ट वे में कर सकते हैं। देखिए, प्राइसिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो HP ने जो इसकी प्राइसिंग रखी है वो 60,000 की प्राइसिंग रखी है। मार्केट में कई आपको 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे प्राइसेस इसके मिल जाएंगे। देखिए, अगर 60,000 की अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो ये परफेक्ट लैपटॉप है कि आपको Ryzen 5 7000 सीरीज प्लस 16 GB रैम के साथ
ये लैपटॉप इस कंपटीशन में बहुत कम मिलेगा और वो भी पवेलियन सीरीज में, 15 और 14S नहीं है। अगर 15S होता तो हम फिर भी समझते हैं कि हाँ ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं हो सकता था, लेकिन पवेलियन सीरीज के अंदर आपको 60,000 के अंदर लैपटॉप परफेक्ट है। एचपी ने इसके साथ आपको 1 ईयर वारंटी है, आप 1 ईयर ऑनसाइट वारंटी ले सकते हैं, आप अपग्रेड कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, 2 ईयर एक्स्ट्रा आप वारंटी ले सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, जब भी आप वारंटी लें तो सिर्फ आप एचपी की ही लीजिएगा, चाहे आप 2 साल एक्सटेंडेड वारंटी लें या 2 ईयर एक्सटेंडेड या 3 ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन यानी अगर लैपटॉप आपका डैमेज होता है, स्क्रीन डैमेज हो जाती है, बॉडी डैमेज होती है, कुछ भी डैमेज हो जाए, एचपी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगा उस पार्ट को जो डैमेज हुआ है। कभी भी आप थर्ड पार्टी वारंटी पे मत जाइएगा। जो थर्ड पार्टी वारंटी होती है या वो एक तो बहुत डिले करके मिलती है और उसमें कुछ पार्ट पेमेंट भी आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास एचपी के जेन्युइन पार्ट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ये काफी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं, आप जब भी वारंटी लें हमेशा एचपी ऑथोराइज्ड स्टोर से या एचपी की ही लें, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये लैपटॉप आपने परचेज करना है तो कुछ एचपी वर्ल्ड्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और जहां से हमें ये लैपटॉप मिला है, करोलबाग ओमेन प्लेग्राउंड यानी एचपी वर्ल्ड से, आप वहां पे भी कर सकते हैं। आपको वहां पे एक बेनिफिट और मिलेगा, वहां पे सर्विस सेंटर भी है, कभी भी लैपटॉप को प्रॉब्लम आएगी लैपटॉप की तो आप ऑन साइट वारंटी भी ले सकते हैं और वहां से भी वारंटी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम नए नए लैपटॉप्स की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे और सबका बैक पैनल आपको ओपन करके दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।